हेलो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं छत्तीसगढ़ी पकवान अरसा रोटी। इसके लिए हमें नए चावल की ज़रूरत होगी। इस चावल को हम धोकर अच्छे से रात भर भिगा कर रखेंगे, जिससे वो अच्छे से पानी सोख कर लेगा और अच्छा सा सॉफ्ट बनेगा रोटी। इसमें ये इतना पानी डालकर रात भर भीगने के लिए हम लोग रख देंगे। अब हमने जो चावल रात भर भिगाया था उसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे और उसका सारा पानी निथार कर एक कपड़ा डालकर दूसरे बर्तन में छान लेंगे। इसको थोड़ी देर इसी कपड़े में रहने देंगे ताकि इसका जो सारा पानी है वो निकल जाए और चावल हमारा अच्छे से पानी को छोड़ दे। अब इस चावल को ऐसे ही थोड़ी देर सूखने के लिए रहने देंगे, फिर इसको हम पिसाने के लिए ले जाएंगे। ये हमारे 2 किलो का आटा है, तो इसके लिए अब हम चाशनी तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम 2 किलो का गुड़ डालेंगे और लगभग 2-2.5 गिलास पानी। फिर इसको गाढ़ा होने तक उबलने देंगे। ये हमारी दादी माँ के गाइडलाइन से बनाया जा रहा है, क्योंकि ये व्यंजन गांव में बहुत फेमस है और बहुत पुराने समय से बनाया जा रहा है, तो दादी माँ के मार्गदर्शन में हम बना रहे हैं। अब दादी माँ चाशनी चेक कर रही हैं कि अरसा रोटी के लिए ठीक से बना है या नहीं। ठीक वही तरीका जो करी लाड़ू के लिए अपनाते हैं हम लोग। सबको एक साथ समेट के देखेंगे, अगर हाथ में अच्छे से आ जा रहा है मतलब चाशनी हमारा तैयार है। थोड़ा पतला लग रहा है चाशनी, करी लड्डू से थोड़ा हार्ड होना चाहिए। थोड़ी देर इसको और पकाएंगे, फिर हमारा चाशनी तैयार है। अब हम फिर से चेक करेंगे, हमारा चाशनी थोड़ी देर हो चुका है। हाथ से उसको समेटिए पानी में डालकर, अगर अच्छे से हाथ में वो आ जा रहा है इसका मतलब हमारा चाशनी तैयार है। अब इसमें हम लोग जो हमारा चावल का आटा पिसाया हुआ है गीले चावल का, उसको थोड़ा थोड़ा मिलाते रहेंगे। ये देखिए हमारा चाशनी तैयार है। इसमें हम थोड़ा सा तिल डालेंगे। तिल डालने पर गुड़ के साथ इसका जो स्वाद है और बढ़ जाता है। और ये हमारा पिसे हुए चावल का पिसा हुआ आटा है जो तैयार है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ डालेंगे तो इस पर लम्ब्स पड़ जाएंगे। लम्ब्स नहीं पड़ना चाहिए, अच्छे से उसको तैयार करना चाहिए। अब हम तिल को इसमें डाल देंगे। अब तिल को हम डाल देंगे इसमें, अच्छे से मिला लीजिए। करके हम इसको चावल डालते रहेंगे, आटा को हमारे, और इसको अच्छे से मिलाते रहिए। अच्छे से मिलाएंगे इसको ताकि ये पक भी जाए साथ में, और आँच हमारा एकदम मीडियम फ्लेम पे रहेगा। जितना हमारा गुड़ का चाशनी लेगा उतना आटा हम इसमें मिलाते जाएंगे। अब इसको आँच गैस से नीचे उतार लेंगे ताकि हमारा चाशनी जो है ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए। अगर गाढ़ा हो जाता है तो हमारा जो रोटी है वो बहुत कड़ा बन जाएगा, इसीलिए इसको नीचे उतार कर बाकी जो बचा आटा है उसको अच्छे से मिला लेंगे। हम सारा आटा चाशनी में मिलाने के बाद बस 2 मिनट के लिए आँच में फिर से रख देंगे ताकि जो उसका पानी एक्स्ट्रा है वो सब ख़त्म हो जाए और हमारा आटा जो गूथा हुआ है वो अच्छे से बन जाए। थोड़ा हमारा जो आटा है उसको छोटा छोटा लोई कर लेंगे और इस तरह बड़े के शेप में बनाएंगे, थोड़ा पतला बनाएंगे ताकि ये क्रिस्पी बने। और चूंकि हमारा चाशनी था वो थोड़ा कड़ा बना था, इसीलिए हमारा रोटी है वो क्रिस्पी बनेगा। ऐसे गोल कर लेंगे आटा और उसको धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएंगे। छोटा छोटा लोई लेंगे, हाथ से अगर बड़ा ना हो तो बर्तन में रख दीजिए और उसको थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, उसका साइज बड़ा हो जाएगा और वो पतला भी हो जाएगा थोड़ा।
हमारा तेल गरम हो गया है, जो हमने पहले से गोल गोल हमारा आटे का बना के रखा है उसको हम डालते जाएंगे, एक एक करके डालते जाएं ताकि उसको चिपक जाता है, साथ में अगर डाल देंगे तो चिपक जाता है ये, तो एक एक करके डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा देर में, ताकि हमारा अलग से बने, अलग से रहे वो रोटी। देखिए अच्छे से गर्म हुआ है, कैसे उबाल आ रहा है इसमें, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके डालते जाएंगे। ये देखिए कितना अच्छे से बन रहा है हमारा रोटी। थोड़ा डालने के बाद इसको पलटा दें, क्योंकि जल्दी पक जाता है, ज़्यादा देर नहीं लगता इसको। ऐसे रेड हो जाए तो उसको निकाल देना है, क्योंकि ज़्यादा पकाने पर ये जल जाता है, ज़्यादा देर नहीं लगता, बस 2 मिनट में इसको निकाल देते हैं तेल से। फिर हम जो छान के रखे हैं उसको एक बर्तन में ले लेंगे, ऐसा बर्तन लेंगे जिसमें से तेल निकल सके, और एक बीच में कटोरी रख देंगे और सारा रोटी उसमें डालते जाएंगे, ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा ऑयल उसमें बचा हुआ है वो अपने आप नीचे निकल जाए। आँच एकदम लो फ्लेम पर डाल के इसको पकाना है, क्योंकि तेज आँच पर ये जल जाएगा, और थोड़ा थोड़ा डालना है, एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि ये चिपक जाता है। हमारा जो आटा है उसको छोटा छोटा गोला बना के हम लोग रख लिए रहेंगे, ताकि हमारे हमें बनाने में आसानी हो और जल्दी बन सके। अगर हमारा आटा कड़ा हो जाता है या टूटने लगता है तो हम उसमें थोड़ा पानी मिलाकर उसको सॉफ्ट बना सकते हैं। एक तरफ हम उसको फ्राई करते रहेंगे, दूसरे तरफ बनाते रहेंगे, ताकि हमारा जो आटा है वो ज़्यादा ठंडा ना हो जाए और कड़ा ना हो जाए, इससे हमारा रोटी अच्छे से बनेगा। सुंदर लग रहा है, कलर भी इसका बहुत अच्छा खिल के आ रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। तोड़ के देखिए इसको, थोड़ा क्रिस्पी है ये देखिए, अरे दिखने में भी अंदर से बहुत अच्छे से पका है। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी और टेस्ट में कैसा लगा। और रोटी सारा तैयार हो चुका है, अगर आपको कम बनाना है तो इसका रेशियो आप कम कर सकते हैं, अगर ज़्यादा बनाना है तो इसको रेशियो आप बढ़ा सकते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार आप आटा ले सकते हैं। और इस तरह हमारा रोटी तैयार है। तो इस प्रकार आप भी दादी के रेसिपी से बनाएं और अपने अपनों को खिलाएं।